चिकित्सा जो है अन्य चिकित्सा पद्धतियों में तो रोगी के रोग की चिकित्सा होती है, लेकिन हम प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत क्या है कि चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। यानी कि मेडिकल वर्ल्ड में हम जाते हैं कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में हम ये रिडक्शनिस्ट साइंस में बिलीव नहीं करते कि हम पार्ट्स में नहीं हैं, हम होलिस्टिक बीइंग हैं। यानी कि हमारे सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर क्रियान्वित होकर हमें जो है हमें जीवन के कुशल जीवन जीने का जो है हमारे कार्यभार को संभालते हैं। तो इन सभी ऑर्गन्स, जैसे ऑर्केस्ट्रा में या सिम्फनी में या म्यूजिक में आप कहेंगे कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑर्केस्ट्रेशन में इतने सारे अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हुए भी जब तक वो मिलजुल के और आपस में हार्मनी से नहीं काम करते या साउंड प्रोड्यूस करते, तब तक म्यूजिक नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक सिम्फनी की भांति है। जब तक हर अंग प्रत्यंग अपना सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा, तब तक हमें स्वास्थ्य तक का पूरा जो है हमें जो है उसकी स्थिति प्राप्त नहीं होगी। इसी सिद्धांत पर जो है प्राकृतिक चिकित्सा विश्वास करता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा अन्य पद्धतियों में आप जाएंगे, आपका जो है रोग का इलाज होगा, रोग के सिम्टम्स का इलाज होगा, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में जब व्यक्ति आते हैं तो उसके पूरे शरीर की चिकित्सा की जाती है और उसके शरीर को पूरे को ठीक किया जाता है और उसको एकदम नया बना दिया जाता है, ताकि रोग के लक्षण स्वतः ही अपने आप ही गायब हो जाएं। और जैसे कि मानिए कि हमारे हम कभी किसी को सिर दर्द होता है या किसी को किसी अन्य प्रकार की प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें सिर दर्द की गोली दे देता है और वो दर्द जो है हमारा जो है दूर हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि हमने उसका इलाज कर लिया। लेकिन उस दवाई ने क्या किया, उसने उस जो दर्द के लक्षण थे उसको दूर कर दिया और हमने सोचा कि हमारा उपचार हो गया। जबकि जो हमारे भीतर जो दर्द की सेंसेशन पैदा करने वाली नस नाड़ी है वो दवाई उसको सप्रेस कर देती है, उसको नम कर देती है। तो हमें दर्द का सेंसेशन नहीं होता, लेकिन वो जो रोग की जड़ है, जो रूट है, वो वहीं पर होता है, यानी के विकार और विजातीय द्रव्य। तो रोग तो हम मानते हैं कि एक लक्षण मात्र है। किस चीज का लक्षण? जो रोग का मूलभूत कारण है, विजातीय द्रव्य, विकार, टॉक्सिन्स जो हमारे भीतर जो है दशकों तक पड़े रहते हैं और निरंतर जो है वो जमा होते रहते हैं। तो दवा से केवल उनके लक्षणों का इलाज होता है, लेकिन रोग के मूल कारण का जो है निवारण नहीं हो पाता। और लेकिन इसके विपरीत हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में यदि कोई व्यक्ति आता है कि हमारे सिर में दर्द है कहता है, तो हम उसकी चिकित्सा उसके पाचन तंत्र से, उसके पेट से शुरुआत करते हैं। क्योंकि यदि अगर पाचन तंत्र सही है तो पाचन तंत्र सही होगा तो भोजन का पाचन, फिर अवशोषण, और अवशोषण होके जो रस बनेगा, रक्त बनेगा, वो शुद्ध होगा। और जब वो रक्त शुद्ध होगा तो हमारा पूरा जो नाड़ियों का जो नेटवर्क है, जो हमारी नाड़ियां हैं, नर्व्स हैं, क्योंकि हमारा पूरे कंट्रोल जो है हमारी बॉडी का एक-एक अंग प्रत्यंग को जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, सारा कारभार उनको संभालना होता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन करेक्ट होगा तो वो नर्व्स भी सशक्त होंगी। जब नर्वस सिस्टम सशक्त होगा तो हमारे सारे कार्य जो है, पैरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो चाहे या रेस्पिरेशन हो चाहे हृदय का धड़कना हो, तो सारे कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलेंगे। और इसके विपरीत यदि हम केवल लक्षणों का अगर इलाज करेंगे कि सिर दर्द की गोली खा ली, या अगर हमारे त्वचा पर मान लीजिए कोई स्किन का रोग है, एक्जीमा, सोरेसिस और इस तरह के, और हमने ऊपर से कोई लेप लगा लिया और हमने सोचा कि वो कुछ दिन आराम आता है ऑइंटमेंट लगाने से और वो सही हो जाता है, लेकिन उसका मूल कारण क्या है?
उसका मूल कारण है रक्त का विकार। रक्त का विकार यानी के जिन व्यक्तियों की जीवनी शक्ति, रोग क्या है, रोग सा टाइम एंड अगेन मैंने कहा है कि रोग है ये दर्शाता है कि हमारे भीतर जो जीवनी शक्ति है, वाइटैलिटी है, वो हमारी एक्टिव है। और वह वाइटैलिटी जब ये देखती है कि हमारे शरीर में विकारों का बहुत अधिक जमाव हो गया है, तो ये रोग जो है हमारी उस जीवनी शक्ति की सफल चेष्टाएं हैं हमारे शरीर से उस विकार को निकालने की। तो उस चेष्टा में हम जो है प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक तत्वों जिसे कहते हैं जल, मिट्टी, वायु और भोजन का नियम करके, व्यायाम द्वारा हम शरीर की ही उस शक्ति को और अधिक प्रज्वलित करके शरीर के इस कार्य को हम जो है समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं और रोग स्वतः है दूर हो जाता है। और इससे न केवल शारीरिक हमें जो है मिलता है कि हमारा रोग दूर होता है, हमारा मानसिक रोग दूर होता है, और अध्यात्म के लिए भी आप देखिए, सोच के देखिए कि क्या जिसका शरीर मलों से भरपूर है, जिसे निरंतर पेट में गैस एसिडिटी है, क्या वैसा व्यक्ति क्या साधना कर सकता है? कुछ पल के लिए भी वो बैठ सकता है जिसके भीतर विकार, जिसके भीतर मल और विकार भरे हुए? तो क्या उसका माइंड जो है शुद्ध विचार उसके मन में आ सकते हैं? जी नहीं, ये असंभव है। इसीलिए वो पूरे शरीर का शोधन और मूलभूत रूप से यानी के प्राकृतिक चिकित्सा जो है शरीर के किसी पर्टिकुलर रोग को दूर ना कर पूरे शरीर का जो है नवीकरण जिसे कहते हैं हमारी बॉडी प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा होती है। और कई बार आप बरसों से मैं जो है प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्न हॉस्पिटल्स में कार्यरत रही हूँ और हमारे रेजिडेंशियल जो है हॉस्पिटल्स रहे हैं जहाँ मैंने बरसों काम किया और अभी भी मैं कर रही हूँ, हमारे यहाँ रोगी आते हैं और विभिन्न रोगों से ग्रस्त, और धीरे धीरे जब 7 दिन 15 दिन के लिए जब वो यहाँ रुकते हैं स्वास्थ्य केंद्र में और प्राकृतिक चिकित्सा और भोजन, व्यायाम, मेडिटेशन द्वारा धीरे धीरे उनका जो है रोग हमें दिखता है, किस तरह से उनको आराम मिलना। और देखते देखते कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर रोग, मान लीजिए जॉइंट्स के रोग के लिए आया है हमारे पास, गठिया के लिए आया है, हम उसका इलाज वहीं से भीतर से रूट कॉज से यानी कि उसके पाचन तंत्र से, क्योंकि उसका मतलब है कि दर्द की दवाई देके हम उसको पेन किलर देके उसके दर्द का निवारण नहीं करते। उसका मूल कारण है कि उसके ब्लड का जो एसिडिक लेवल है वो बढ़ गया है, यानी कि जो अम्लीयता है, तो उसका सीधा कनेक्शन हमारे ब्लड से है और ब्लड का कनेक्शन हमारे पाचन तंत्र से है, पाचन तंत्र का कनेक्शन हमारे भोजन से है। तो हमें जो है इलाज हम किस तरह से करते हैं, हम उसके भोजन में सुधार करते हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन को रोकते हैं फास्टिंग से और हल्का भोजन देके, ताकि जितना मल है पहले जो वो भीतर जा चुका है उसको हम जो है निकालें। और याद रखिए प्राकृतिक चिकित्सा में एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि प्राकृतिक चिकित्सा में सभी रोगों का इलाज है लेकिन सभी रोगियों का इलाज नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा में हम सभी जो है रोगों का इलाज तो कर सकते हैं लेकिन रोगी को क्यों नहीं? क्योंकि हमारे किसी भी जो व्यक्ति या रोगी किसी रोग से ग्रस्त जब हमारे केंद्र में आते हैं तो उसके स्वस्थता उसको लाभ होने के लिए 5 बहुत आवश्यक बातें होती हैं। पहला ये आवश्यक हमें ये आंकना होता है कि रोगी के शरीर में विजातीय द्रव्य की मात्रा कितनी है। जो लोग बहुत ही असंयमित जीवन जीते हैं, असंयमित भोजन खाते हैं, कोई समय पर उठना बैठना, स्ट्रेस लेवल, उनका शरीर जो है उनके भीतर मल का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो एक अच्छे प्राकृतिक चिकित्सा को सबसे पहले ये आंकना होता है कि विजातीय द्रव्य या टॉक्सिन्स का स्तर एक व्यक्ति के रोगी के शरीर में कितना है। पहली बात,
जो उसकी जो है स्वस्थता के लिए जो है ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात क्या है कि रोग निवारण के लिए उसके भीतर यथेष्ट जीवन शक्ति है या नहीं। देखिए, द नेचर क्योर्स नॉट द फिजिशियन। तो जब तक एक प्राकृतिक चिकित्सा क्या करता है, एक प्राकृतिक चिकित्सा केवल उस जीवनी शक्ति को प्रबल बनाता है, और क्योर या जो इलाज है वो हमारी जीवनी शक्ति करती है। तो जो रोगी आया है उसकी इस बात पर उसकी स्वस्थता बहुत निर्भर करती है कि उसके भीतर की जीवनी शक्ति कितनी शेष बची है। क्या उसने असंयमित जीवन जीते जीते क्या वो बिल्कुल ही क्षीण कर दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट जो उसको रोग से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा वो ये कि रोग किस हद तक, जो रोगी है वो किस हद तक चिकित्सा कर चुका है। अक्सर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में वो लोग आते हैं जो जगह जगह जो है बहुत जगह इलाज करके जब बिल्कुल निराश हो चुके होते हैं तब प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आते हैं, और लेकिन तब भी प्राकृतिक चिकित्सा से वो स्वस्थ होते हैं। यदि आप तुरंत ही पहली बार ही लक्षण आते ही यदि आप प्रकृति का सहारा ले ले तो वो रोग जो है वो बढ़े ही ना। तो प्राकृतिक चिकित्सा में आने वाला व्यक्ति किस हद तक चिकित्सा कर चुका है और कहीं वो धैर्य तो नहीं खो चुका, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में दो मूलभूत बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पेशेंस और आपका फेथ। यानी कि आपके भीतर एक तो संयम होना चाहिए, क्योंकि ये एलोपैथी या अन्य मेडिसिन की भांति ये नहीं कि प्राकृतिक चिकित्सा में आपने दवा खाई और आपको जो है आराम मिल गया। यहाँ पर आपको जो है मिट्टी का लेप लगाना होगा, उपवास करना होगा या कई प्रकार के स्नान करने होंगे, तो हर चीज में समय लगता है। और जो शरीर आपने बरसों इतना मल एकत्रित किया है तो एक या दो दिन में या 10-15 दिन में वो पूरा विकार निकलना संभव नहीं होता। तो हमें ये जरूर देखना है कि उस व्यक्ति का कहीं धैर्य तो नहीं खो चुका, कहीं उसमें पेशेंस की कमी तो नहीं है, तो उस पक्ष को भी हमें ध्यान रखना होगा। और चौथी बात के प्राकृतिक चिकित्सा आरंभ करने से पहले क्या रोगी घातक औषधियां तो नहीं बहुत ज्यादा खा के आ रहा। स्टीरॉइड्स पे कई बार होते हैं, स्किन के पेशेंट्स होते हैं, अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, तो कई बार वो इतनी डेंजरस और केमिकली स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स खा के आते हैं कि सबसे पहले हमें जो है प्राकृतिक चिकित्सक को दो प्रकार से इलाज करना होता है। पहले तो वो सारे केमिकल्स जो टॉक्सिन्स और जहर के रूप में आप बरसों एकत्रित करते हैं उन्हें निकालना होता है, और फिर उस शरीर का नवीकरण करना होता है उसको पोषकता प्रदान करके, यानी कि एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है पूरकता का या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम शुरू होता है, जिससे कि जो हमारे जो टिश्यूज ऑर्गेन्स डैमेज हो गए हैं उन टॉक्सिन्स के चलते उनका जो है रिन्यूएशन और उनका जो है रिजुविनेशन हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्राकृतिक चिकित्सा के इलाज में बहुत ही अनिवार्य है वो ये कि एक रोगी जो यहाँ चिकित्सा के लिए आए उसका विश्वास, अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है कि इस पद्धति द्वारा मैं बहुत अच्छे से अपनी जो हीलिंग कर सकता हूँ। यदि अगर नेगेटिव मनोभाव से यदि कोई व्यक्ति आते हैं तो उनका इलाज में समय लगता है। तो अगर वो श्रद्धा, वो विश्वास है आपके अंदर, पेशेंस है, तो प्राकृतिक चिकित्सा से भली भली भांति हर एक रोग का इलाज संभव है। और इस तरह से किसी भी रोग का, कोई भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा हमारी नेचर, हमारी प्रकृति करती है। हम उन 5 तत्वों का सहयोग करते हुए और उस रोग के मूल कारण यानी कि विजातीय द्रव्य शोधन करके ऐसी डाइट दे के जिससे के हमारे शरीर के ना केवल शोधन हो बल्कि उसको पोषकता भी मिले, और साथ साथ
प्राकृतिक चिकित्सा के मॉडेलिटीज है, चाहे वो सन बात है, चाहे वो प्राणायाम योगासन, चाहे वो भोजन में सुधार, चाहे वो कटी स्नान या हिप बात या स्पाइनल बात और स्टीम बात, मसाज थेरेपी, मठ थेरेपी, क्रोमोथेरेपी, ऐसी विभिन्न प्रणालियां हैं जिनके द्वारा, इन मॉडेलिटीज द्वारा शरीर का शोधन करके और उसको जो है उसका नवीकरण, यानी के किसी एक पार्ट की अगर प्रॉब्लम है, कहीं फोड़ा या फुंसी निकल रहा है, तो उस पार्ट को ट्रीट करने के लिए हम सीधा शरीर के मूल यानी कि जो सेंटर ऑफ द सिस्टम हमारा जो है, हर चीज हमारी पाचन शक्ति से रिलेटेड है, हर रोग, तो उसको जो है मूलभूत तौर से हम उसको सही करते हैं। और एज अ रिजल्ट, जैसे कि जैसे हमारा पाचन तंत्र में सुधार आता रहता है, हमारे पाचन और निष्कासन की प्रक्रिया अच्छे से होती है, तो हमारे जो शरीर में जो है रक्त का संचालन और सभी सेल्स टिश्यूज को हमारे ब्लड सर्कुलेशन द्वारा पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट से भरपूर हमारा ब्लड सारे ऑर्गन्स को जब खुराक सही मिलेगी तो वह रिजुविनेट होंगे और उनका जो है रोग जो है धीरे धीरे, और यकीन मानिए मैंने वो चमक देखी है, जैसे जैसे रोग जाता रहता है एक रोगी के चेहरे पर, देखिए नो कोई दुनिया का ऐसा कॉस्मेटिक लिपस्टिक पाउडर या कोई ऐसी क्रीम नहीं बनी है जो आपको चेहरे की चमक दे सके, लेकिन आपके भीतर से जब वो शोधन क्रिया हो जाती है, द मोर योर कोलोन इज क्लीन द मोर यू शाइन फ्रॉम आउटसाइड, यू डोंट नीड एनी क्रीम पाउडर और एनी कॉस्मेटिक, इस बात को ध्यान रखिए। और इसी के साथ ये तो हमारे आज के सिद्धांत की बात हुई, अब एक जो है आपको एक किस्सा बताती हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा के चमत्कार नामक किताब मुझे अपनी किताबों में, पुरानी किताबों में मिली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसमें कुछ ऐसी बातें थीं जो मैं आपसे शेयर करूं, और कुछ ऐसी तो मैं आपके सामने एक जो किस्सा है वो एक पढ़कर आपको इस किताब में से बताती हूं कि जो है इसका टाइटल जो है किस्से का, छोटे छोटे किस्से हैं इस किताब में, और किताब का नाम है प्राकृतिक चिकित्सा के चमत्कार। तो इस किस्से का टाइटल है फ्लू दरवाजे से आकर दरवाजे तक आकर लौट गया। इस किस्से का जो टाइटल है फ्लू जो है बुखार जो है दरवाजे तक आकर लौट गया। स्वस्थ जीवन के वर्षों काम करते स्वस्थ जीवन के दफ्तर में एक वर्मा जी कई वर्षों काम करते थे और प्राकृतिक चिकित्सा के नुस्खे और चुटकुले बराबर सुना करते थे। कुछ दिन बाद उनके मन में दवाइयों की गुलामी से निकलने के लिए पुराने संस्कारों की जंजीर को तोड़ने का विचार आया। होनहार कहिए या संयोग की बात, उन्हीं दिनों शहर में चारों ओर जोरों से फ्लू फैला और कोई घर ऐसा ना बचा कि जिसमें एक दो फ्लू के मरीज ना हो। एक शुक्रवार को वर्मा जी दफ्तर से घर गए तो तबीयत सुस्त थी, भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। पत्नी ने उन्हें सुस्त देखकर उसका कारण पूछा। वर्मा जी खुद नहीं जानते थे कि सुस्ती का कारण क्या था। पत्नी ने खाना खाने के लिए आग्रह किया। वर्मा जी ने खाना मंगाने के पहले मन में सोचा, खाना खाऊं या नहीं। उस समय उन्हें स्वस्थ जीवन में पड़ी हुई वह सूक्ति याद आई कि मन में यदि विचार उठे कि खाना खाएं या ना खाएं, तो उस समय नहीं खाना चाहिए। अतः उन्होंने तुरंत निश्चय करके दृढ़ता पूर्वक पत्नी से खाना न खाने के लिए कहा। उस रात वर्मा जी ने बिना नमक बिना चीनी मिला हुआ केवल नींबू का पानी पिया। दूसरे दिन पहले से तबीयत कुछ ठीक थी पर बिल्कुल साफ नहीं हुई थी। वे काम पर गए पर दिन भर कुछ नहीं खाया, केवल नींबू का पानी ही लेते रहे। पत्नी के घबराने पर उन्होंने उसे समझाया कि शहर में फ्लू फैला है, यदि खान पान में जरा भी गड़बड़ी करूंगा तो
तो कम से कम एक सप्ताह तक बीमारी भुगतनी पड़ेगी। यदि हम किसी मेहमान को अपने यहाँ बराबर बुलाना न चाहें तो उसकी आवभगत और खातिरदारी नहीं करनी चाहिए। उसी तरह जब बुखार आता हुआ दिखाई दे तो उसे उपवास रूपी लाल झंडी दिखानी चाहिए, जिससे वह उस व्यक्ति को कंजूस और खतरनाक समझकर उसके पास नहीं फटकेगा। इस डेढ़ दिन के उपवास से हो सकता है वर्मा जी के शरीर में थोड़ी कमजोरी आई हो, पर आर्थिक नुकसान न होने से उनका पॉकेट कमजोर नहीं हुआ। पर यदि फ्लू का आक्रमण उन पर हो जाता तो एक सप्ताह तो अवश्य ही घर पर बैठा देता, और तब आर्थिक नुकसान भी होता, साथ ही दवा का खर्च लगता, सो अलग। और बुरी बात तो यह होती कि फ्लू की वजह से शरीर अधिक निर्बल हो जाता। रविवार को वर्मा जी ने आराम किया। सोमवार को जब काम पर गए तो हंसते हुए बोले, इस बार मेरे दरवाजे तक आकर फ्लू लौट गया। तो ये है प्राकृतिक चिकित्सा, यानी के जिस समय, यदि टाइम एंड अगेन मैं कहती रही हूं कि बस हमें जो है प्रकृति के जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं, जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि जब उन हमें मन में अगर संशय आए खाना खाऊं या ना खाऊं, तो उस समय जो है खाना न खाना ही हमारे सेहत के लिए उचित है। और बिल्कुल ठीक कहा, अगर हम किसी मेहमान को एंटरटेन नहीं करेंगे तो वो हमारे घर आएगा ही नहीं, तो हमें जो है ऐसा जो है फ्लू को आमंत्रित करने का वो जो है वातावरण क्रिएट ही नहीं करना। तुरंत हमें जो है सॉलिड फूड छोड़ देना है, और यही किया। और इस तरह से अभी ये जो माहौल बन रहा है कोरोना का, और केसेस जैसे सुनने में आ रहे हैं ज्यादा, तो लोग घबराए हुए हैं। घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल इतना ही सिंपल है। यदि कोई तकलीफ होती है तो 3 दिन का प्रोटोकॉल आपको मैंने बताया हुआ है, उस पर चलिए निडरता पूर्वक। और सनशाइन, एयर बाथ, व्यायाम, मेडिटेशन आप करिए, आपके पास जो है कोई भी रोग फटकेगा ही नहीं, आपसे दूर ही भागेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो है इस व्याख्यान को मैं विराम देती हूँ, और कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। जी मैडम, कमल नौलखा बात कर रहा हूँ। जी सर, ये साधारण अभी कोरोना चल रहा है, आपने बहुत सारी बातें अच्छी बताई, लेकिन कोरोना काल होने दो, लेकिन फिर भी कभी किसी को कोई खांसी हो सकती है नॉर्मल जैसे, एक हैबिचुअल जैसे होती है।